26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के साथ साथ रेलवे प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार रीट परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे ने भी राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाया है, जिसको लेकर अब 25 से 27 सितंबर तक 13 परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, तो नियमित तौर पर चल रही ट्रेनों में 43 अतिरिक्त डब्बे बढ़ाए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO लेफ्टिनेंट शशिकरण ने बताया कि सभी 13 परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेनें अनारक्षित तौर पर संचालित की जाएंगी। स्पेशल ट्रेन प्रदेश के तमाम प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों से ट्रेन की छत पर सफर नहीं करने की अपील भी की। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान में रीट एग्जामिनेशन होने वाला है और उसमें भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पहला, मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले UTS ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। UTS ऐप आप अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सारे युवा परीक्षार्थी हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप स्टेशन एरिया में UTS का टिकट खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसको जब आप रिचार्ज करते हैं इस ऐप के माध्यम से, तो आपको 5% का बोनस मिलता है। और इसके अलावा आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है, आप किसी भी जगह पर सुगमता से खुद ही ले सकते हैं बिना लाइन में लगे हुए। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के 108 स्टेशनों पर हमने इसके UTS ऐप के QR कोड भी लगाया है, जिसको आप स्कैन करके खुद ही टिकट जनरेट कर सकते हैं उस स्टेशन प्रिवाइसेस में। इसके अलावा जो परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए ATBM और JTBS और STBA जहाँ जहाँ पर उपलब्ध है उसको भी शीघ्र शुरू करने की और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के साथ साथ अब रेलवे भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और इसी के लिए रेलवे अब जो परीक्षार्थी हैं जो जयपुर सहित प्रदेश के तमाम जगहों पर जाने के लिए, उनके लिए ट्रेनों का संचालन भी कर रहा है। और आप एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अनारक्षित जो टिकटें रहेंगी उसको लेकर QR कोड के साथ साथ ATBM मशीन, इसके साथ ही जो JTBS या STBA है उन सभी की उपलब्धता कराई जाएगी, जिससे जो परीक्षार्थी आएंगे अनारक्षित टिकट के लिए उन्हें कतार में ना लगना पड़े। और रेलवे सभी जो परीक्षार्थी हैं उनसे यही अपील कर रहा है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करिए और उसके जरिए ट्रेनों में यात्रा करिए। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो करीब 13 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका संचालन किया जा रहा है, परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेनें रहेंगी। प्रदेश के तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे जयपुर के लिए और जयपुर से लेकर अलग अलग शहरों के लिए जो ट्रेनें हैं उनको चलाया जाएगा, और साथ ही साथ जो नियमित ट्रेनें हैं उसमें करीब 43 डिब्बे अतिरिक्त बढ़ाए गए हैं। और ये सभी जो ट्रेन हैं या अतिरिक्त डिब्बे हैं इनको अनारक्षित तौर पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो RPF, GRP और DRM की आज मंडल स्तर पर बैठक भी हुई है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर आने वाले जो परीक्षार्थी रहेंगे, क्योंकि जो भीड़ आएगी उसको किस तरह से संभालना है इसको लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार ये अपील कर रहा है परीक्षार्थियों से कि आप ट्रेन की छत पर ना बैठें, क्योंकि जो ट्रेन की छत पर बैठने से विद्युतीकरण होने के बाद परीक्षार्थियों को किसी ना किसी की तरह की कोई गलत चीजों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ गेट पर बैठने से साफ तौर पर मना किया गया है, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर रेलवे लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं 26 तारीख को जो जयपुर पहुंचेंगे या अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ऋषभ पांडे।